एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर UGC नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया PhD एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ NTA UGC नेट से रिलेटेड किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं मल्टीपल डिसिप्लिन के लिए। तो उसको हम लोग देखेंगे क्या क्राइटेरिया है, कैसे भरना है और क्या लास्ट डेट है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर टेम्प्रेरी फैकल्टी पोजिशन एट द असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, यानी कि जो एडहॉक बेसिस पर है, ये टेम्प्रेरी बेसिस पर है, गेस्ट फैकल्टी मांगी गई है। क्या है देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फैकल्टी पोजीशन एट द असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल प्योरली ऑन फुल टाइम टेम्प्रेरी बेसिस, है ना, फुल टाइम टेम्प्रेरी बेसिस है, फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज एंड एक्सटेंसिबल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 120 डेज इन द इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फॉर द डिसिप्लिन्स मेंशन्ड बिलो। यानी कि जो वैकेंसी है, ये मान के चलिए एक सेमेस्टर और आगे चल के दो सेमेस्टर यानी कि एक साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। यानी कि वही जो गेस्ट फैकल्टी होता है, 11 महीने के जो टेन्योर होता है गेस्ट फैकल्टी का, वही है, उतनी ड्यूरेशन के लिए है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तमिल में एक पोस्ट है, इंग्लिश 2 पोस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स एक एक पोस्ट है, साइकोलॉजी की 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस एक है, मैनेजमेंट स्टडीज़, म्यूज़िक 2 पोस्ट हैं, संस्कृत, ठीक है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी 2 पोस्ट हैं। इस तरीके से कुल मिला के 23 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब देख लेते हैं आगे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले बेसिक एबिलिटी की बात करें तो देखिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन वही है UGC रेगुलेशन एक्ट जो 2018 कहता है वही है, यानी कि आपका PG होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, PG 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका नेट सेट स्लेट या जो भी आपका UGC CSIR लेवल पर कंडक्ट होता है या स्टेट लेवल पर, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर आप नेट स्लेट ये सब क्वालिफाई नहीं है तो इसके अलावा आपके पास PhD डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। PhD यहाँ पर लिखा है UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एम्पल PhD डिग्री रेगुलेशन, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास PhD डिग्री है तो आप नेट स्लेट सेट से एग्जाम रखे जाएंगे। तो ये बेसिक डिटेल है इसकी, क्या क्राइटेरिया है PhD वालों के लिए, क्या क्या नॉर्म्स हैं UGC रेगुलेशन के रिगार्डिंग, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ नोट में ये लिखा है कि ऐसे प्रोग्राम जिसमें नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है UGC या CSIR नेट, तो उस केस में क्या है कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शैल नॉट ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट सेलेक्ट नॉट कंडक्टेड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें सैलरी क्या देंगे इन लोग, तो कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन की बात करें तो 30,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेचर अपॉइंटमेंट मैंने बताई दिया आपको, टेम्प्रेरी बेसिस पे है, एडहॉक है। सिलेक्शन कैसे होगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक क्रेडेंशियल, यानी कि जो भी UGC के नॉर्म्स हैं उसी के रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो जो फॉर्म को भरने का जो फॉर्मेट है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। और भरने के बाद आपको इनके एड्रेस पे भेजना होगा, अभी मैं बताता हूँ किस एड्रेस पे भेजना है। आगे अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर ड्यूली कम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स गिवन इन द लिस्ट शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 28 अप्रैल 2022, यानी 28 अप्रैल 2022 से पहले इस एड्रेस पे टू द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेपॉक चेन्नई 600005, यानी इस एड्रेस पे आपको अपने सारे टेस्टिमोनियल्स फॉर्म के फॉर्म का फॉर्मेट सारे डॉक्यूमेंट्स A4 इन्वेलप पेपर में कर आपको 28 अप्रैल 2022 से पहले इस एड्रेस पे द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेपक चेन्नई 600005 पर भेज देना है। तो ये था फॉर्म को भेजने का सिस्टम। आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया, एप्लीकेशन शैल बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार, ये एड्रेस मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें देखिए रखनी होंगी, ये सारी चीज़ें, प्रेस्क्राइब फॉर्म विद फुल पर्टिकुलर विज, क्या क्या चीज़ें हैं, प्रूफ ऑफ एज विद एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज,
क्वालिफिकेशंस सारे जो भी हैं आपके, अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, नेम ऑफ टू पर्सन टू होम रेफरेंस कैन बी मेड, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए अगर क्या बात करें तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं जैसा कि मैंने बताया हमने टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर मैंने डाल भी रखा है, तो एक बार उसको पूरा डिटेल अपने लेवल से देख लीजिएगा, फिर फॉर्म को भर के आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर टू एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, चाहे वो PG नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।